नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे वार्षिक राशि फल की, यानी कि 2023। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए उतार चढ़ाव भरा वर्ष सिद्ध हुआ, लेकिन 2024 क्या आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा? व्यापारिक क्षेत्र हो या फिर नौकरी पेशा वाले लोग या फिर पर्सनल लाइफ, कितनी सारी खुशियां मिलेंगी या फिर आपको जद्दोजहद का सामना करना पड़ सकता है, इन सारे प्रश्नों के समुचित उत्तर को जानेंगे। और आज हम बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस, 2024 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र बनता है और शुक्र जो ग्रह है वह शालीनता के कारक माने जाते हैं, यानी कि वृषभ राशि वाले लोग बहुत ही दयालु प्रकृति के और साथ ही बड़े सुलझे हुए लोग होते हैं। ये जो वार्षिक राशि फल है यह चंद्र राशि पर आधारित है और ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होता है। मित्रों, यह जो वार्षिक राशि फल है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिनके पास जन्म कुंडली नहीं होती, यानी कि उनका जन्म तारीख और जन्म समय नहीं होता है, जिसके कारण उनकी जन्म कुंडली नहीं बन पाती। तो उन लोगों के लिए राशि फल कैसे देखा जा सकता है? तो नाम राशि प्रधानत्वम, नाम राशि की भी बहुत जगह पे प्रधानता मानी गई है, बताई गई है शास्त्रों में। व्यापारे व्यवहारे च जन्म राशि न चिंतये, विवाहे सर्व मांगल्ये नाम राशि न चिंतये। तो मित्रों, नाम राशि की प्रधानता व्यापार क्षेत्र में आती है, इसलिए आप जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वह प्रचलित नाम के आधार पर इसे देख सकते हैं, यानी जो नाम आप लिखते हैं उसके आधार पे भी इस वार्षिक राशि फल को आप देख सकते हैं। मित्रों, बात करें वृषभ राशि की कि 2024 वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा, तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्वास्थ्य की। कारण क्या है कि स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन में सब कुछ अच्छा है, और स्वास्थ्य ही अगर आपका ठीक नहीं है तो जीवन में बाकी सारी चीजें ठीक बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह जो वर्ष है यह आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समस्याएं पिछले कुछ समय से चली आ रही है तो वह 2024 में आप उससे निजात पाने में कामयाब होंगे। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बड़ा ही उत्तम दिखाई दे रहा है। सही तरीके की योजना यानी कि योजनाबद्ध तरीके से अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन या फिर नॉर्मल आप किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं और वहां आपके रिजल्ट पूर्व में यानी कि पहले अच्छे नहीं आ रहे थे, अथक प्रयास करने के बाद भी, तो आपको 2024 में किसी भी तरीके के कंपटीशन का एग्जाम देना है या फिर कोई तैयारी करनी है तो निश्चित तौर पर आप एक प्लान के तहत तैयारी करें। और उसमें आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि आपका अगर मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या फिर आपका 100% योगदान देने के बाद भी आपको उस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई में, तो आप प्रातःकाल जल्दी उठना प्रारंभ कीजिए और योगा मेडिटेशन और प्राणायाम इत्यादि करें। इससे आपको आत्मबल यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे उत्तम रिजल्ट आप प्राप्त करने में 2024 में कामयाब होंगे। मित्रों, बात करेंगे लॉटरी सट्टा और शेयर मार्केट वालों के लिए कैसा रहेगा यह बस। लॉटरी सट्टा और शेयर मार्केट ऐसे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए वर्ष का प्रारंभिक दौर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा उनके लिए तनावपूर्ण या फिर वो थोड़ा सा संघर्षमय हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे यह वर्ष आगे बढ़ेगा निश्चित तौर पर आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगा और आप ऊंचाइयों को छूने में कामयाब होंगे। अब बात करते हैं व्यापारिक क्षेत्र की। व्यापार क्षेत्र में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखें कि आप योजनाबद्ध तरीके से अगर आपने व्यापार को बढ़ाते हैं या फिर व्यापार को नए व्यापार की योजना बना रहे हैं, उस व्यापार को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो सही तरीके से योजनाबद्ध तरीके से सही समय पर उसको प्रारंभ करते हैं तो वहां पे लाभ के योग अधिक बनेंगे, साथ में वह व्यापार आपका अच्छा चलेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए जो वर्ष होगा ये किस प्रकार करेगा इसको भी जान लेना आवश्यक है। नौकरी पेशा वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंज वाला हो सकता है, यानी कि वर्ष के प्रारंभ में थोड़े से आपके लिए कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वर्ष आगे बढ़ेगा तो
तो नए नए मौके आपको मिलेंगे। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए नौकरी के कुछ बेहतरीन योग बनेंगे। उच्च पदाधिकारियों से समन्वय बनाकर रखना होगा, यानी कि आपको उनसे तालमेल सही तरीके से बना के रखना होगा, तो आपके प्रमोशन का भी योग बनेगा। और साथ में पिछले काफी समय से आप उसी वेतन पर अटके हुए हैं, यानी कि आपका आपकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, तो निश्चित तौर पर आपका तालमेल अगर अपने उच्च पदाधिकारियों से बेहतर रहेगा, तो इस वर्ष आपका इंक्रीमेंट भी होगा, यानी वेतन में वृद्धि भी होगी। इसका भी सुंदर योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक क्षेत्रों में अधिक प्रयास और सकारात्मक प्रयास से आपका फाइनेंशियल जो कंडीशन है, यानी कि आर्थिक जो स्थिति है, वह अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के। बहुत सारे न्यू मैरिड, यानी कि न्यू मैरिड कपल जो है, यानी कि जिनका विवाह अभी कुछ समय पहले हुआ है और पति पत्नी के बीच बॉन्डिंग की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि विचारों का मतभेद हो रहा है बारंबार, तो किसी तीसरे व्यक्ति के मध्यस्थता से या फिर आपके अच्छी प्लानिंग से उस समस्या का निवारण आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप सही तरीके से उस प्लान को नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर वहां पे समस्याएं आपकी बढ़ सकती है, जो आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में उलझनों को बढ़ाने का कार्य करेंगी। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक और अगर कोई समस्या आती है, उसको सही तरीके से सुलझाने का निश्चित तौर पर आपको प्रयास करना चाहिए। अब उसके साथ साथ में बात करेंगे कि आप अपने जीवन के अंदर इन उलझनों को बेहतर तरीके से कैसे निपटा सकते हैं और जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपको भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए, यानी कि भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रतिदिन पूरे वर्ष आप रूटीन में लाएं और प्रतिदिन जप करें, यह आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। साथ ही एक बात का और विशेष ख्याल रखें, पीले वस्तुओं का दान करें, जैसे चने का दाल या फिर पीला लड्डू। उसके अलावा केला, जो फल केला है, उसका भी दान करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, इस वर्ष यानी कि 2024 में किन-किन महीनों में आपको सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी, तो वह महीना है मार्च का महीना, उसके अलावा अप्रैल और उसके साथ साथ में अगस्त का महीना। ये 3 महीना, मार्च, अप्रैल और अगस्त महीनों में किसी भी नए कार्य की योजना न बनाएं। इन महीनों में योजना बनाने से थोड़ा बचें, उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, और इस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से आप कार्य को करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह 2024 आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।